नशे में धुत एक ऑटो चालक की लापरवाही से एक गरीब युवक की जान चले जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि बड़ापुरा क्षेत्र में नीरज अहरवाल नाम का युवक खड़ा हुआ था। इसी दौरान नशे में धुत ऑटो चालक सवारियों को लेकर वहां से निकला तथा उसने युवक को टक्कर मार दी तथा ऑटो रोकने के बजाय गिर गए युवक के ऊपर से ऑटो चढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए तथा युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी सांसें थम जाने की वजह से उसे फिलहाल उसके शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया है, जहां कल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। पूरी घटना से मोहल्ले के लोगों में जहां आक्रोश के साथ गमगीन माहौल बना हुआ है, वहीं कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल ऑटो को जब्त करके आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज हो गया, जो जो भी कठोरता हो पा रहा है। नहीं सर, अगर मुकदमा नहीं हुआ तो हम उसको जान से मार चुका। मैं किसी का कायम हो रहा है, क्लियर कह रहा हूँ, उसको बाहर निकला और मैं खत्म। आपका बेटा ही बैठ के मुकदमा कायम करा रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं। आपका बेटा बैठ नहीं, अब माँ कसम ये दूसरा और कर लो, जब तुम्हारी बात कर लो, लेकिन अब मैं किसकी जमात में मरूंगा, ठीक है। माँ दुर्गा का चंदा काट रहे थे, हनुमान जी के मंदिर के बाजू में खड़े हुए थे, चंदा ले रहे थे, तभी ये वहाँ से दुकान दुकान साइड कहीं भी जा रहा होगा। ऑटो वाले ने आके इसको, ऑटो वाले एकदम से टक्कर मार दी, ये गिर गया इस पार्ट पे, और फिर हम लोग इसको उठा कर किनारे लेके उठा, पानी आने डाला, लेकिन ये फिर बोल ही नहीं रहा था मुझसे कुछ भी। हम लोग हॉस्पिटल गए। देखिए, बड़ापुरा से सूचना आई थी कि नीरज नाम के व्यक्ति को एक अज्ञात ऑटो चालक ने जो है ऑटो से टक्कर मारी है, जिसमें इलाज के दौरान संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृतक का भाई जो है उसने आकर जानकारी दी है कि सर ये अचानक से ऑटो चालक ने आकर भाई के ऊपर ऑटो से टक्कर मारी है, ऑटो चढ़ाया है, ऑटो चालक को तत्काल में गिरफ्तार किया गया है और मृतक का भाई जो है वो बैठकर कानूनी कार्रवाई थाना कोतवाली पर कराई जा रही है। वहाँ में कुछ लोग बोल रहे थे कि एक्सीडेंट के पहले उसे कुछ एक ने मारा भी था। जो जो अभी कायने के बाद जो ऐसे सामने आएंगे जाएगी तो वो जो भी लोग हैं वो भी।